चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली ये तुम्हारा फर्स्ट लेक्चर है फॉर सीए इंटर. तो वट एवर इज देयर इन सीए इंटर दैट आई विल टेल यू ऑल फर्स्ट. ओके सो थोड़ी सी चीजें शायद यू ऑल नो बट मेनी थिंग्स विल बी कमिंग टू नो. एक काम जरा करो, एक हेडिंग तो दे दो एज सीए इंटर. लेट्स स्टार्ट ऑन अ पॉजिटिव नोट. नो तुम्हारे एग्जाम्स अच्छे गए जाएंगे अच्छे. चलो सी इंटर इज डिवाइडेड अप इन टू टू ग्रुप्स. यू ऑल कैन राइट ऑन ग्रुप वन, यू ऑल कैन राइट ऑन ग्रुप टू. नाउ ग्रुप वन तुम्हारा फर्स्ट पेपर, देर आर फोर पेपर्स ओवर हियर. तुम लोग को नाम मालूम है तुम्हारे सब्जेक्ट्स के? ग्रुप वन के अंदर फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा बेटा? अकाउंट्स. राइट डाउन अकाउंट्स. हंड्रेड मार्क्स पेपर. सेकेंड लॉ है जिसके अंदर दो पार्ट आता है, एक बिजनेस लॉ है एक अदर लॉ है. बाइफर्केशन के ना अभी के लिए तो ऑब्वियसली नहीं जा रहा हूं. उसके बाद थर्ड जो हम लोग अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्टिंग कुछ भी लिख सकते हो. एंड फोर्थ तुम्हारा टैक्सेशन जिसका दो पार्ट है, एक डायरेक्ट टैक्स है एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसके अंदर जीएसटी आ जाएगा. जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ओके ऑब्वियसली इन ऑल दिस इज 400. आपको इंडिविजुअली 40 चाहिए, इंडिविजुअली 40 चाहिए, इंडिविजुअली 40 चाहिए, इंडिविजुअली 40 चाहिए. ओके लेकिन 160 इसका टोटल मैं नहीं लिख सकता. इन केस यू वांट टू बी पासिंग आपको इन ऑल 200 स्कोर करना है. ओके सो इन ऑल इसका जो टोटल है 200 वो होना चाहिए. दिस इज अ मिनिमम जो आपको हर एक सब्जेक्ट के अंदर क्रॉस करना है. ओके सो दिस इज योर ग्रुप वन एज सच. नाउ फिर उसके बाद यहां पे एक अकाउंट्स का एडवांस पार्ट वो आ जाएगा, एडवांस अकाउंट्स. हंड्रेड मार्क्स. फिर उसके बाद यहां पे आ जाएगा ऑडिट. हंड्रेड मार्क्स. उसके बाद तुम्हारा थर्ड पेपर, दिस इज ईआईएस Enterprise Information Systems / Strategic Management. 100 marks. 50-50 marks internal breakup है उसका. Fourth, तुम्हारा Financial Management and Economics for Finance. You can just write on ECO, that's okay. 400 and obviously the same rule applies over here. हर एक subject के ना 40 चाहिए. 200. Now, अगर ये सब के अंदर 40 मिला, ठीक है, exactly 40 मिला, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा बेटा? 160. इसके अंदर 40 मिला, टोटल 160 हो गया. तो यू आर फेल्ड इन दिस ग्रुप ऑल्सो, यू आर फेल्ड इन दिस ग्रुप ऑल्सो. ओके तुमको ये मालूम है? एक और चीज याद रखना, अगर दोनों ग्रुप्स इकट्ठा दोगे तो अगर इधर 160 मिला लेकिन इधर तुम लोग को टोटली 240 मिल गया तो टोटल 160 प्लस 240 कितना होता है बेटा? 400. तो 800 के अंदर से अगर 400 भी मिलता है यू आर पास. ओके तो तुमको समझा जो मैंने बोला? तो अगर आप ग्रुप वाइज देते हो तो आपको ग्रुप के अंदर 50% चाहिए. ओके अगर आप लोग दोनों दे रहे हो तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस अगर दोनों के अंदर मिलाकर भी 50% आता है यू आर पास. ठीक है तो इन सी इंटर यू हैव टू बी गिविंग बोथ द ग्रुप्स, दैट इज फॉर श्योर. ग्रुप वन भी इकट्ठा ही देने का, ग्रुप टू भी इकट्ठा ही देने का. सीए फाउंडेशन के ना कितने पेपर्स थे तुम्हारे? 4 थे. तो यहाँ पे इट हैज ओनली बिकम डबल. ठीक है तो इतना ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है लेकिन मुश्किल हो जाएगा जब मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट भी बोलूं कि जितना तुम्हारा अकाउंट्स मैथ्स इको मिलाकर था उतना तुम्हारा सिर्फ अकाउंट्स है अभी. ओके सो इसके लिए मेहनत है बट दैट्स ओके, वी ऑल विल डू इट.
We are going to be starting with this subject, costing, and we are going to be finishing off this particular subject first, okay, from beginning till end as such. इसके अंदर से कई पेपर्स हैं जो ऑब्वियसली आप लोग फाइनल सीए के अंदर भी लेकर जाओगे. उसके अंदर से ये एक अकाउंट्स का एक पेपर है जो फाइनल सीए के अंदर भी आएगा. लॉ भी जो है फाइनल सीए के अंदर भी आएगा. कॉस्टिंग भी जो है फाइनल सीए के अंदर ही आ जाएगा. टैक्स भी फाइनल सीए के अंदर आ जाएगा. ऑडिट भी फाइनल सीए के अंदर आ जाएगा. फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी फाइनल सीए के अंदर आ जाएगा. अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स वो वैसे भी वो फाइनल सीए के अंदर आ जाते हैं. तो बेसिकली एक ही पेपर है जो आप लोग सिर्फ यहीं पर पढ़ के खत्म करने वाले हो, दैट इज योर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर EIS, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. ये सिर्फ सीए इंटर तक ही है. तो इन एनी केस व्हेनेवर यू विल बी डूइंग, तुमको समझ में भी आ जाएगा कि वो सिर्फ सीए इंटर तक क्यों है, क्योंकि वो बहुत बोरिंग है. ओके, तो ऑल अदर सब्जेक्ट्स वी आर गोइंग टू बी डूइंग टिल एंड ऑफ सीए फाइन. ओके, वी ऑल आर स्टार्टिंग विद कॉस्टिंग. ओके, सो इफ यू आर स्टार्टिंग विद कॉस्टिंग, ऑब्वियसली यू ऑल हैव नॉट डन दिस सब्जेक्ट बिफोर. आप लोगों ने पहले कभी ये वाला सब्जेक्ट नहीं किया, बट क्या है, लेट्स लर्न फ्रॉम स्क्रैच, इट विल बी फार बेटर. ओके, नेक्स्ट पेज पे जाओ, हेडिंग दे दो कॉस्ट. अच्छा सुनो, जब मैं बोलूं अभी उसी के बाद लिखना मेरे को. सर आप बोलो, ऑब्वियसली एम हर एक बंदे का जिंदगी के अंदर यही होएगा कि सर अपने को प्रॉफिट कमाने का है. मेरे को बोलो, प्रॉफिट दुनिया में दो चीजों को सब्ट्रैक्ट करके मिलता है. कौन सी दो चीजों को बोलो, किन दो चीजों को सब्ट्रैक्ट करूं कि प्रॉफिट मिल जाए बोलो. तुम्हारा पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बेटा क्या आता है? प्रॉफिट इज नेट रिजल्ट ऑफ टू थिंग्स. विच टू थिंग्स? प्रॉफिट कैसे मिलता है? Income minus expenses. I'll simply say sales minus cost. Okay, that will start to give you profit. तुम लोग वही करते हो ना from 11th standard. Ultimately, जब भी profit बनाओगे, जब भी profit आएगा, तो वो कैसे आएगा? कितना पैसा आया minus कितना पैसा गया? That is nothing but your profit, no? Okay. Now, कितना पैसा आया? That is your sales, sir. Goods बनाएगा, goods बेचेगा, पैसा कमाएगा, sir. बराबर है. Obviously, cost का भी किधना किधर तुम्हारा खर्चा तो होगा. Okay. So this subject gives you an introduction to what are the costs, how to talk of the costs, how is cost incurred. जो भी चीज cost related जिंदगी के अंदर कभी भी हो सकता है, we try to talk of all those particular things in this subject. ठीक है, ये subject आपको CA inter के अंदर basically रखा गया है ताकि यू कैन ट्राई टू फाइंड आउट कि तुम्हारे प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या है. एग्जाम्पल के तौर पे आई मेक पेन्स लाइक दिस. अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो मेरे को इस पेन का कॉस्ट तो मालूम होना चाहिए. मेरा कंपनी है, मैं पेन बनाता हूं, मेरा प्रोडक्ट है, कॉस्ट तो मालूम होना चाहिए. तो ये वाला जो आपका सारा का सारा वो सब्जेक्ट है, वो आपको कॉस्ट निकाल के वो दे देगा. ओके, फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टिल द लास्ट चैप्टर वी आर ओनली ट्राइंग टू टॉक ऑफ कॉस्ट, नथिंग एल्स. In final CA, when we all enter that, this subject will, उसका नाम जो है तो वो बदल जाएगा. It'll become strategic cost management. That time we will learn how to do business. Okay. तो institute का main aim of teaching you this entire subject is first of all to teach you कि cost कैसे होता है, कैसे खर्चा करने का, उससे क्या मिलता है, blah blah blah. और एंड में इट विल टीच यू हाउ टू रन योर ओन बिजनेस. सो वन फाइन डे व्हेन यू विल स्टार्ट योर ओन बिजनेस, दिस इज वन सब्जेक्ट दैट विल हेल्प यू अलॉट हाउ टू रन योर ओन बिजनेस. ओके, इन फाइनल सीए बेसिकली वी आर ट्राइंग टू टीच यू हाउ टू रन योर ओन बिजनेस. ठीक है, तो एक तो क्लासरूम के अंदर यू ऑल कैन स्टार्ट टू स्पीक. ओके, इट विल बी मोर फन इफ यू ऑल विल बी स्पीकिंग एज सच. ओके, नो फन इन ओनली मी स्पीकिंग. तो वी ऑल आर स्टार्टिंग अभी विद कॉस्ट. कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट इज एनी एक्सपेंस दैट वी ऑल इनकर इन लाइफ. ओके, तुम लोग घर से इधर आया, खर्चा किया ना कुछ तो. ओके, तो दैट इज बेसिकली नथिंग बट कॉस्ट. सो कॉस्ट नेक्स्ट साइन पे तुम लोग लिख सकते हो एक्सपेंसेस दैट वी इनकर. बस एक्सपेंसेस करके वो लिख देना. अच्छा, नाउ एक चीज हमेशा वो याद रखना, एनी बिजनेस इन दिस वर्ल्ड, ओके,
बेसिकली इज ऑफ टू टाइप्स, या एक बिजनेस होता है जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है, या एक बिजनेस होता है जो सर्विस सेक्टर का बिजनेस होता है, ओके, जहां पे हम लोग कुछ बेचते नहीं है, कुछ सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। मेरे को एक एग्जांपल दो, एप्पल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर है कि सर्विस सेक्टर के अंदर है? एप्पल कंपनी जो है वो लोग मैन्युफैक्चर करता है कि सर्विसेज देता है? मेरे ख्याल से मेनली वो लोग मैन्युफैक्चर ही करता है, थोड़ा सा सर्विसेज भी देता है, उनका जो ऐप स्टोर है ये वो सर्विस सेक्टर है, ओके, लेकिन मेनली जो उनका वो बिजनेस है वो मैन्युफैक्चर। हम लोग जो है, हम लोग क्या करता है, वी प्रोवाइड सर्विसेज, ओके। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, लेट्स ट्राई टू बाइफर्केट द कॉस्ट फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ओके। अगर एक कंपनी गुड्स बना के बेचता है, तुम्हारा इंटर का अराउंड 80% पोर्शन इज देयर फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। तो जब मैं कॉस्ट का बाइफर्केशन वो कर रहा हूँ, दिस इज बाइफर्केशन ऑफ कॉस्ट इफ इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो जरा सोचो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स कैसे काम करते हैं, ओके। एक यूजुअल चीज अगर मैं कभी बोलूँ तो जरा सोचो, हम लोग पहले, सबसे पहले अगर हम लोग मैन्युफैक्चर है तो हमको सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ती है, रॉ मटेरियल्स। मैं सप्लायर को, मेरे बोलेगा, सप्लायर का मतलब समझ में आता है, मैं सप्लायर को पहले वो बोलेगा माल भेजना मेरे को, ओके, माल मेरी फैक्ट्री के अंदर आएगा, फिर उसको हम लोग प्रोसेस करता है, प्रोसेस करता है मतलब वर्कर को बोलेगा भाई उसके ऊपर काम कर, ओके, उसको गुड्स के अंदर कन्वर्ट कर, ठीक है। जरा सोचो प्रोसेस के बाद गुड्स बन गए, ठीक है, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, डायरेक्टली कस्टमर मेरी फैक्ट्री के अंदर आके तो गुड्स नहीं खरीदता, ओके, तो मेरे को गुड्स को भेजना पड़ेगा टू होल सेलर, टू रिटेलर, वो एक डिस्ट्रीब्यूशन चेन तो होगा, ओके, तो यहां से गुड्स चला जाएगा, किधर चला जाएगा, इन दिस केस टू द होल सेलर एंड रिटेलर, ओके, सो देयरफॉर फिनिश गुड्स विल बी गोइंग ओवर देयर। जरा सोचो रॉ मटेरियल खरीदा, उसको प्रोसेस किया, फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट हो गया, फिनिश गुड्स होल सेलर के पास वो पहुंचा, वहां से रिटेलर तक पहुंचा, ये जो क्रोमा वगैरह ये सारे के सारे आउटलेट्स होते हैं, जो बिग बाजार होता है, जो डी मार्ट होता है, वहां तक सब कुछ वो पहुंच गया, ठीक है। एक बार वहां तक वो पहुंच गया, उसके बाद उसको बेचने का भी तो है, सो दैट इज योर नेक्स्ट थिंग, यू ऑल सेल द गुड्स, ठीक है। एंड उसके बाद वन मोर थिंग दैट माइट बी रिक्वायर्ड, एंड दैट पर्टिकुलर थिंग इज नथिंग बट आफ्टर सेल सर्विस, ओके। फॉर अ स्मॉल एग्जाम्पल हम लोग एसीज बनाता है, ठीक है, एसीज बनाता है, तो एसी के अंदर सपोज पाइप होता है कोई, ओके, कंप्रेसर वगैरह होएगा, वो मेरा रॉ मटेरियल है। उसके बाद सारे के सारे रॉ मटेरियल मैंने खरीदे, अपनी फैक्ट्री के अंदर एसी बना लिया, उसके बाद पूरा का पूरा एसी बन गया, होलसेलर को भेजा, रिटेलर को भेजा, उन लोगों ने आगे ये जो क्रोमा वगैरह है वहां पे गुड्स वो पहुंच गए, ठीक है। अभी गुड्स एज अ कस्टमर तुम लोगों ने मुझसे एक एसी वो खरीद लिया, ठीक है, कभी ना कभी एसी खराब भी होएगा, ओके, तो उसका सर्विसिंग वगैरह, दिस इज पॉपुलरली कॉल्ड एज अ चेन, ओके, दिस इज पॉपुलरली कॉल्ड एज अ वैल्यू चेन। वैल्यू चेन मतलब तुम्हारे कंपनी के अंदर किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर वो सोचोगे बिजनेस इज कलेक्शन ऑफ ऑल दीज थिंग्स ओनली, ओके, इसके अलावा हर एक बिजनेस के अंदर कुछ है भी नहीं। अगर मैं सेम एग्जांपल सपोज हमारी कोचिंग इंडस्ट्री के लिए बोलूं तो बुक्स वगैरह हम लोग बनाते हैं, दैट इज काइंड ऑफ आर रॉ मटेरियल, ठीक है, देन वी टीच यू ऑल, शायद यहाँ पे एक बार तुमको तो वो पढ़ा दिया, देन आर things are delivered to you all, so therefore goods jo hai wo ban gaya, okay, and then in that case you all take admission, all those particular things will happen. Har ek manufacturing business ke andar kitna kidhar ye wali cheeze aati hi aati hain, okay, matlab raw material khareedte hain, next kaam kya hota hai, usko convert kiya jata hai into finished goods, ye tumhara second kaam hota hai. Third, इन दिस केस फिनिश गुड्स तुम्हारा बन गया, ओके, उसके बाद बेचने का है, और उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस। हर एक बिजनेस, तुम लोग कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में बात कर लो, तुमको समझ में आ ही जाएगा कि बिजनेस इज अ कलेक्शन ऑफ दीज फाइव थिंग्स ओनली इन लाइफ, ओके। हर एक बंदा यही वाला काम करता रहता है दुनिया के अंदर, एक्चुअली और कुछ काम वो बचा ही नहीं है। इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यू विल डू दीज पर्टिकुलर फाइव थिंग्स। और जरा सोचो तुम लोग पांचों में से कुछ भी काम करो, तुम्हारे खर्चे तो होंगे। मैं रॉ मटेरियल खरीद रहा हूं, मेरे को बोलो मेरा खर्चा कैसे होएगा? मैं रॉ मटेरियल खरीद रहा हूं, आई विल पे नो टू द सप्लायर, ठीक है, मेरे को बोलो मैं रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहा हूं इनटू फिनिश गुड्स, मेरा खर्चा कैसे होएगा बोलो?
मशीन्स का खर्चा होएगा, वर्कर्स का खर्चा होएगा, ठीक है। उसके बाद इन दिस पर्टिकुलर केस मैंने फिनिश गुड्स बना दिया, आई विल सेंड इट टू द होलसेलर, मेरा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का खर्चा होगा। आगे गुड्स अगर बेचने का है, मेरे को एडवर्टाइज वगैरह भी करना पड़ेगा। अगर सपोज मैं कंपनी हूँ, तुम लोगों ने एसी मुझसे वो खरीदा, तुम्हारा एसी खराब हो गया, तो मेरे को आफ्टर सेल सर्विस भी तो प्रोवाइड वो करना पड़ेगा। मेरे जो इंजीनियर्स होंगे, जो यहाँ पे जो सेल्समैन वगैरह होंगे, दे विल कम टू योर होम टू रिपेयर इट। ओके, तो खर्चे तो बेटा हर बिजनेस के होंगे ही होंगे, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज बेसिकली ऑल अबाउट, दिस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट कि भाई लेट्स ट्राई टू अक्यूमुलेट आवर कॉस्ट। अल्टीमेटली मेरा जो भी कॉस्ट है मेरे को मालूम तो होना चाहिए, आई शुड ऑलवेज बी डूइंग। एग्जाम्पल, जब आईफोन से आईफोन 10 ओके, जो अराउंड अभी कुछ 90,000 रुपीज का है, एप्पल को आज की डेट में भी एक चीज तो मालूम है कि 90,000 जब वो लोग तुम लोगों से वो लेता है, देयर कॉस्ट इज तकरीबन अराउंड 40,000 रुपीज। ओके, वेन एवर एप्पल सेल्स वन फोन टू यू, दे विल मेक कितने रुपीज का प्रॉफिट बेटा? 50,000। अभी ये कॉस्ट कोई ना कोई कंप्यूट ही करता है ना। ओके, अभी ये कॉस्ट कंप्यूट करना इज नॉट दैट इजी अ जॉब। अपने को वो लगता होगा सर कॉस्ट निकालने के ना क्या बड़ी बात है, टोटल कॉस्ट लेगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स वगैरह वी विल बी डूइंग, वैसे अपने को कॉस्ट वगैरह तो आई जाएगा। ऐसा नहीं होता, इट इज टफ टू बी डूइंग इट। एज एंड व्हेन दिस चैप्टर विल प्रोसीड, दिस सब्जेक्ट विल प्रोसीड, यू विल कम टू नो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज वेरी टफ। ओके, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी। तो तुम लोगों ने हेडिंग दिया है कॉस्ट, आगे ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ एक्सपेंसेस। लेट्स ट्राई टू थिंक एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किन टाइप के खर्चे कर सकता है। तो इसका जरा दो पार्ट करो तुम लोग। तो फर्स्ट टाइप ऑफ खर्चा लेफ्ट हैंड साइड पे लिख के रखना आर कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा सुनो, चलो एक चीज तो मेरे को बोल सकते हो, अगर लेफ्ट हैंड साइड वालों को डायरेक्ट एक्सपेंसेस वी ऑल से, तो राइट हैंड साइड वाले को क्या बोलेगा बेटा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन ऐसा घटिया वर्ड वी ऑल डोंट यूज। ओके, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इन कॉस्टिंग विल बी कॉल्ड एज ओवरहेड्स। उसको क्या बोलने का बेटा? ओवरहेड्स। लिखो ओवरहेड्स। Now, अभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ओवरहेड्स क्या होते हैं, सुनो। Now, एक चीज हमेशा याद रखना, ओके, हमेशा टिल द टाइम यू आर अलाइव यू रिमेंबर दैट। तुम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड से आज तक एक सब्जेक्ट वो किया है जो चलता ही आ रहा है, वो कौन सा सब्जेक्ट है? तुम लोग कॉमर्स के अंदर क्यों आए, क्या सब्जेक्ट वो पढ़ने के लिए? अकाउंट्स, ठीक है। अकाउंट्स इंडिया के अंदर कौन सा इंस्टीट्यूट कंट्रोल करता है जिसका तुम लोगों ने सीए फाउंडेशन का फॉर्म भरा? किसका सीए फाउंडेशन का फॉर्म भरा? आईसीएआई। फुल फॉर्म ठीक है, आईसीएआई। इंडिया में कब एस्टैब्लिश हुआ था, कौन से साल में? तुम्हारे पैदा होने की खुशी में तो वो एस्टैब्लिश नहीं हुआ, बहुत पहले हुआ। कब हुआ? 1949। तुम्हारा मम्मी डैडी के पैदा होने से भी पहले। सुनो मेरी बात। Now, from the time ICAI has come, they control entire accounts in India. तो जो भी तुम लोग एंट्रीज पास करते हो, ओके, 11, 12 तक वो सब कुछ को ठीक है, धीरे धीरे come at a higher level, ओके. जो भी तुम लोग अकाउंट्स के अंदर करते हो, ओके, हर एक चीज इंस्टीट्यूट ने बोला हुआ है। कैसे वो लोग अपने को कैसे बोलता है? उन लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लॉन्च किए हुए हैं, ओके, दैट टेल अस कि भाई ये चीज का ट्रीटमेंट ऐसे होता है, ये चीज का ट्रीटमेंट ऐसे होता है। इंस्टीट्यूट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33 लॉन्च किया, लेकिन अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तुमको सीए इंटर के अंदर तो है, सीए फाइनल के अंदर नहीं होगा, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स धीरे धीरे वो निकल के इट इज कन्वर्टिंग इनटू इंडियस। इंडियस आर बेसिकली फॉरेन के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वी आर अडॉप्टिंग देम ताकि वर्ल्ड वाइड सारा अकाउंट सेम ही चले, ठीक है। फॉरेन के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, दोज आर कॉल्ड एज IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ओके। तो आज तुम लोग इधर है, फाइनल सीए के अंदर यू ऑल विल रीच ओवर हियर। अगर फाइनल सीए के बाद यू डू सम अदर एडवांस काइंड ऑफ डिग्री, देन यू विल बी रीचिंग दिस पर्टिकुलर स्टेज, ठीक है। याद रखना, अकाउंट्स इन इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय ICAI, ठीक है।
लेकिन मैं तुमको अकाउंट सिखाने के लिए नहीं आया, मेरे को इतने अच्छे तरीके से वो आता भी नहीं है. ओके, कॉस्टिंग आई नो. ओके, सो देयरफॉर आई एम ट्राइंग टू टीच यू कॉस्टिंग. कॉस्टिंग इन दिस वर्ल्ड इज कंट्रोल्ड, सॉरी, इन आर कंट्री इज कंट्रोल्ड बाय ICWA. समबडी नोज द फुल फॉर्म ऑफ ICWA? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट. ओके, ये लोग कॉस्टिंग का सब्जेक्ट वो संभालता है. ओके, जैसे यहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लॉन्च होता है, वैसे यहां पर भी कॉस्टिंग स्टैंडर्ड्स लॉन्च होता है. लेकिन दिस इंस्टीट्यूट नो इज नॉट वेरी एक्टिव इन इंडिया, नॉट वेरी एक्टिव. इसलिए उन लोगों ने बहुत सारे जो कॉस्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं इंडिया के अंदर लॉन्च नहीं किए हुए. ठीक है, तो इसलिए कॉस्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है विच इज नॉट स्टैंडर्डाइज्ड. उसका मतलब क्या होता है? दैट सपोज नाउ आई एम राइटिंग अ बुक, आई थिंक नेक्स्ट मंथ विल गेट पब्लिश इन द मार्केट एज ऑथर. नाउ मैं कोई चीज का ट्रीटमेंट इस तरीके से वो कर सकता हूं, कोई और ऑथर उसका जो ट्रीटमेंट है कोई और तरीके से भी करता है. ओके, क्योंकि देर आर नो स्टैंडर्ड. सी, इफ देर इज अ स्टैंडर्ड तो स्टैंडर्ड आपको बोलता है. एग्जाम्पल, तुम लोगों ने वाला चीज से सुना है, स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर. ऐसा सुना? ऐसा कभी सुना? ऐसा किससे सुना मेरे को वो बताओ? कोई टीचर से सुना? उस टीचर ने किधर से सुना? अपने टीचर से सुना. ये वाली चीज अगर बैक टू बैक वो जाते जाओगे, किसी ना किसी ने तो बोला होगा. वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बोलता है. ओके, दैट स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर. समबडी इज मेकिंग द प्रिंसिपल्स. ओके, हु इज मेकिंग द प्रिंसिपल्स? ICAI इज मेकिंग द प्रिंसिपल्स. ओके, लेकिन ICWA ने बहुत सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो नहीं बनाए. बहुत कम स्टैंडर्ड्स हैं जो ICWA के हैं. तो इसलिए इवन तुम्हारा जो मॉड्यूल है इंस्टीट्यूट का, वेन एवर यू ऑल विल गेट, ओके, वो इतना कंसिस्टेंट वो नहीं है. ओके, वहां पे इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, सॉरी, इन डिफरेंट सम्स दे माइट डू डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स ऑल्सो. सो इन कॉस्टिंग वन थिंग दैट विल ऑलवेज हैपन, if you can say this logic is correct, then your answer is correct. But that's it. Okay, there is no one standard answer of one question across the entire world. Okay, you can have your different answers. Okay, but provided it has a logical thinking. Agar maine koi aur answer likha, tum logon ne koi answer aur likha, तुम लोग अपना आंसर प्रूफ करने का ट्राई करो, मैं अपना आंसर प्रूफ करने का ट्राई करेगा. अगर तुम्हारा लॉजिक करेक्ट, मेरा लॉजिक करेक्ट, वी बोथ आर राइट. ओके, अगर तुम्हारा रॉन्ग, देन यू गो डाउन. ओके, तो लॉजिक शुड बी करेक्ट, रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन. ठीक है, नाउ एक चीज जरा याद रखना, तुम लोग जिस दिन CA फाइनल क्रॉस कर लोगे फ्रॉम ICAI, तुमको क्या बोला जाएगा? बोलो, चार्टर्ड अकाउंटेंट. ओके, यहां पर यू विल बी कॉल्ड एज ए CA ओनली, लेकिन C का मतलब जो है वो बदल जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज कॉस्ट अकाउंटेंट. ओके, सो इफ यू ग्रेजुएट फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट यू विल बी कॉल्ड एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट. इन इंडिया कॉस्ट अकाउंटेंट्स का बहुत ज्यादा कुछ डिमांड वो नहीं है, बट इन अराउंड 3-4 ईयर्स टाइम दैट डिमांड शुड बिल्ड अप. ओके, ऑब्वियसली आई एम ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट ओनली. ओके, वी आर ट्राइंग टू डू दिस एंटायर सब्जेक्ट. ऑल्दो तुम्हारे कोर्स के अंदर किधर ना किधर कॉस्टिंग भी है, तुम्हें को एक चीज बोलना वो कंपल्सरी था कि कॉस्टिंग इंडिया के अंदर कौन संभालता है. कौन संभालता है? कौन सा इंस्टीट्यूट? ICWA. ICWA का फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. ओके, अभी इनका एक बाप इंस्टीट्यूट वो बैठा हुआ है, कॉल्ड एज CIMA. दिस अ लंडन इंस्टीट्यूट. ओके, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट्स लंडन. ओके, इन लोगों ने जिंदगी के अंदर जो भी सीखा है इन्हीं लोगों से सीखा हुआ है. ओके, दे कंट्रोल कॉस्टिंग सब्जेक्ट अक्रॉस एंटायर वर्ल्ड. ओके, दे कंट्रोल ओनली इन इंडिया. ओके, सेम वे, समथिंग टू ऐड टू योर नॉलेज, ICWA इज अ अकाउंटिंग बॉडी. दे हैंडल अकाउंट्स नो इन इंडिया. ओके, ICWA is the second largest body of accounts across entire world. First is CPA Institute of America. Okay, Certified Public Accountant. Okay, now what you are doing is this. जब CA बन जाओगे, कभी ये बनने का होएगा, उसका एक use है. Indian CA cannot go to America and practice. क्योंकि यू आर ओनली सर्टिफाइड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट. तो अगर तुमको अमेरिका के अंदर जाकर प्रैक्टिस करने का है, तुमको कौन सी डिग्री की जरूरत पड़ेगी? CPA की. ओके, तभी तुम लोग को वहां के एग्जाम्स वो देने पड़ेंगे. ऑल्दो इफ यू आर अ इंडियन CA, इट विल टेक 1 year फॉर यू टू बिकम अ CA, बट देयर विल बी कॉल्ड ए CPA. ओके, वहां के जो एग्जाम्स है यू ऑल कैन क्लियर, एंड देन यू ऑल कैन प्रैक्टिस इन US ऑल्सो. ओके,
ऑल्दो तुम्हारी जो ICAI वाली वो जो डिग्री है दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी, नाउ दैट इज एप्लीकेबल टू अक्रॉस 58 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इफ सपोज यू आर अ सीईओ ओवर हियर यू कैन डायरेक्टली गो टू ऑस्ट्रेलिया एंड प्रैक्टिस नाउ. ओके, तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हैज अ ट्रीटी विद अस दैट वी ऑल कैन डायरेक्टली गो एंड प्रैक्टिस. सो इन मेनी कंट्रीज इट इज अलाउड. इन दुबई ऑल्सो यू ऑल कैन डायरेक्टली स्टार्ट टू प्रैक्टिस ऑल्सो, दैट इज नाउ अलाउड एज सच. ओके, तो याद रखना जो मैं सब्जेक्ट तो वो पढ़ा रहा हूँ, ओके, वहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं आता, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेटा कौन से सब्जेक्ट के अंदर आएगा? अकाउंट्स. मैं तुमको क्या पढ़ाता है? कॉस्टिंग. ठीक है, तो हम लोग कॉस्टिंग के हिसाब से बात कर रहे हैं. ठीक है, नाउ हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल द कॉस्ट इन दिस वर्ल्ड आर डिवाइडेड अप इंटू टू पार्ट्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड्स. जब मेरे को ये स्टार्ट करने का था मैंने तभी तुमको ये वाला फर्क बताया. क्यों? क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस नो हैज बीन डिफाइंड इन अ सर्टन वे. हु डिफाइंस ऑल द कॉस्टिंग टर्म्स? ICWA. तो जो भी मैं नेक्स्ट चीज वो बोल रहा हूँ वो ICWA की तरफ से है, वो मेरी तरफ से नहीं है. ठीक है, सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? उससे पहले सुनो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज क्या क्या काम करता है? सर वो लोग रॉ मटेरियल खरीदता है, प्रोडक्शन करता है, फिनिश गुड्स बनाएगा, होलसेलर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बेच देगा, आफ्टर सेल सर्विस वगैरह भी आ सकता है. मेनली यही पांच काम. तो बेसिकली व्हाट आई कैन बी सेइंग, ये पांच एक्टिविटीज को मैं सिर्फ दो के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ. वन इज प्रोडक्शन, वन इज सेल्स, और कुछ नहीं. ठीक है, तो एक प्रोडक्शन का उनका काम है, गुड्स बन जाएगा फिर बेचते हो. मेरे को बोलो पहले बेचते हो कि पहले बनाते हो? पहले बनाएगा, वरना तो बेचेगा क्या यार. ओके, सो व्हाट आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस? डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस, आप लोग लिखना स्टार्ट करो, राइट डाउन लिखो, विच आर वेरिएबल, ऐसे लिखना जैसे वो मैंने लिखा है. And dependent on quantity produced. Now अभी ये दोनों चीजों को ना अपने दिमाग में जरा वो सोचना स्टार्ट करो. देखो हम लोग कॉस्ट का ही बाइफर्केशन कर रहे हैं. ठीक है, तो कॉस्ट इज ऑफ टू टाइप्स. विच टू टाइप्स? डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड्स. डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? विच आर इनकर्ड व्हेनेवर यू प्रोड्यूस एंड दीज आर वेरिएबल एक्सपेंसेस. ठीक है, अभी कुछ लिखना मत, सुनो मैं तुम लोग को तीन एग्जाम्पल देता है जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल होगा. बराबर से सुनना, कुछ वो लिखना नहीं. ओके, फर्स्ट देता हूं, सेकेंड देता हूं, थर्ड देता हूं. ठीक है, फर्स्ट सपोज फॉर अ स्मॉल एग्जाम्पल, अभी हम लोग सपोज ऐसा स्टाइलस बनाता था. ओके, एनी एग्जाम्पल, मैं कंपनी है जो स्टाइलस बनाता है, ये स्टाइलस वैकॉम कंपनी का है. ओके, नो जब भी वैकॉम कंपनी एक स्टाइलस बनाएगा, आई जस्ट राइट डाउन पेन. ठीक है, जब भी वो लोग एक पेन बनाएगा, इसके अंदर 100 grams ऑफ प्लास्टिक जाता है. ठीक है, 100 grams ऑफ प्लास्टिक. अभी प्लास्टिक हम लोग खुद तो नहीं बनाता होगा, आई मस्ट बी परचेजिंग इट नो फ्रॉम समवेयर. ठीक है, सपोज 10 ग्राम ऑफ प्लास्टिक जो है, सॉरी 100 ग्राम ऑफ प्लास्टिक जो है 10 रुपए का पड़ता है. ठीक है, मैंने डिसाइड किया कि मैं आज एक पेन बनाऊंगा. एक पेन बनाने के लिए कितना ग्राम्स ऑफ प्लास्टिक जाएगा? 100 ग्राम्स ऑफ प्लास्टिक का कॉस्ट कितना आता है? 10. मेरे को जरा बोलो, अगर मैंने कभी दो पेन बनाया तो आगे कंटिन्यू करो, 200 ग्राम्स ऑफ प्लास्टिक जाएगा, उसका कॉस्ट मेरे को बोलो 20 rupees. ऐसे एक्सपेंसेस को वी ऑलवेज कॉल एज वेरिएबल एक्सपेंसेस. वेरिएबल का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट वेरीज. ओके, तो एग्जाम्पल, मैंने तुम्हारा लेक्चर 1 आवर के लिए लिया तो एसी का बिल आएगा, 2 घंटे के लिए अगर लिया तो डबल बिल आएगा ना. ओके, तो ऑब्वियसली दैट इज विच कॉस्ट बॉस? इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, तो फर्स्टली इन दिस केस जरा सोचो, जो मैंने एग्जाम्पल दिया, Was this example of an expense which is variable? Yes. क्योंकि अगर एक पेन बनाया तो इतना खर्चा, दो पेन बनाए तो डबल खर्चा, 10 गुना पेन बनाता तो 10 गुना खर्चा आता. Okay. So it is a variable cost. Second, मेरे को जरा बोलो, मेरा पेन का खर्चा, सॉरी मेरा प्लास्टिक का खर्चा कब होता है? जब मैं गुड्स बनाता है कि जब मैं गुड्स बेचता है? मेरे को वो बोलो, बनाता है. So therefore, in this case,
इट इज डिपेंडेंट अपॉन विच क्वांटिटी क्वांटिटी प्रोड्यूस. तू पेन बनाता जाएगा तेरा खर्चा होता जाएगा, ठीक है. ऐसा खर्चा इन दिस पर्टिकुलर केस इज नथिंग बट डायरेक्ट एक्सपेंसेस. दिस इज माई फर्स्ट एग्जाम्पल. तो याद रखना, कोई भी चीज डायरेक्ट एक्सपेंसेस तब होती है जब वो ये वाला भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा और ये वाला भी कंडीशन सेटिस्फाई. अगर कोई भी एक्सपेंस ऐसा तुम लोग भी अपने दिमाग के अंदर सोच सकते हो तो वो कौन सा एक्सपेंस हो जाएगा बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस. उसका एक एग्जाम्पल वॉज दिस प्लास्टिक. कैन यू से प्लास्टिक इज रॉ मटेरियल? नो फॉर मी. ओके, तो दिस इज वन एग्जाम्पल. सेकेंड, अभी माय सेकेंड एग्जाम्पल ध्यान से सुनना. सपोज मैं एक कंपनी है जो ऐसा टी शर्ट्स बनाता है, ठीक है. तो ये जो पोलो टी शर्ट्स होता है, आई मेक टी शर्ट्स लाइक दिस. जब भी मैं एक टी शर्ट बनाएगा, ठीक है, सपोज दीस टी शर्ट्स आर हैंडमेड बाय वर्कर्स, ठीक है, वर्कर लोग इसको स्टिच करता है. मैंने वर्कर को बोला एक टी शर्ट पूरा का पूरा बना देगा ना, तेरे को 100 रुपया देगा बिकॉज यू आर मेकिंग द टी शर्ट. ओके, बोलता ठीक है सर. उसे मेरे को पूछा सर मैं 2 टी शर्ट्स बनाएगा तो ऑब्वियस बात है, मेरे को बोलो कितना रुपीज उसको देगा? 200. ओके, अब जरा सोचो, does this example of mine satisfy both the conditions? Tell me, is it variable cost? Yes, क्योंकि जब भी number of units double हुआ तो cost भी तो double हो गया. मेरे को जरा बोलो, is labor cost? He is my worker, right? तो worker मतलब he is my laborer. मेरे को जरा बोलो, is labor cost incurred whenever you produce? Just reply yes or no. ये वाला खर्चा कब होएगा? जब आप goods produce कर रहे हो कि जब आप goods बेच रहे हो? Produce करो. So satisfies this condition also. Satisfies this condition also. This is all okay. ठीक है, third. अभी last example and then we will start to finish off this head. Okay, example. मैंने ना एक नया factory start किया for manufacture of say cars. Okay, हम लोग cars वगैरह वो बनाते हैं, ठीक है. वो remote control वाली नहीं, जो अच्छी, जो तगड़ी कार, जो road के ऊपर चढ़ती है, ठीक है. तो we thought we will be having a factory for those cars. कार्स तो बहुत सेक्सी बनाया लेकिन कोई खरीदता नहीं है. किसी को लगता है कि ये कंपनी की कार्स क्यों खरीदेंगे. तो मैंने क्या किया, मैंने ना मर्सिडीज के साथ टाई अप किया कि जब भी मैं एक कार बनाएगा, ओके, आई विल पुट योर लोगो ऑन टॉप ऑफ दैट. जो ऐसा एक लोगो होता है फॉर मर्सिडीज. ओके, बोलते ठीक है, एक कार वो बनाओगे, पे अस 1 lakh rupees एज रॉयल्टी एंड देन यू कैन पुट आर लोगो ऑन टॉप ऑफ इट. मैंने बोला डील इज डन. मेरा डील उनके साथ कैसा है, वेन एवर आई विल मेक वन कार I will pay them a royalty of कितना रुपीज यार? 1 lakh, ठीक है. Amount for using brand name of a company is called as royalty. Okay, उसको हम लोग वो royalty बोलते हैं, ठीक है. अभी अगर मैं 2 cars बनाएगा, my cost in this particular case will be how much यार? 2 lakhs. Okay, अब जरा सोचो, does this satisfy both your conditions? Is it variable? Yes. सेकेंड इन दिस पर्टिकुलर केस, ये वाला खर्चा मेरा मर्सिडीज के अंदर एग्रीमेंट कैसा है? जब भी एक कार बनाएगा कॉस्ट विल बी आई हैव टू पे हाउ मच रुपीज यार? 1 lakh. ओके, सो देयरफॉर दिस इज अगेन समथिंग दैट सैटिस्फाइड बोथ आर कंडीशंस. ओके, तो सुनो, बस माय जॉब इज डन. जो मैंने 3 examples दिए, दीज वर माई 3 bifurcations. विच 3 bifurcations? दिस वॉज इन दिस केस माई डायरेक्ट मटीरियल. Second one in this particular case was direct labor. And the third one in this particular case was nothing but direct expenses. Okay. That is what we are about to be writing as such. Okay. तो अभी आप लोग एक काम जरा करो, आप लोग वो पहले लिखो direct material right now. अच्छा सुनो, याद रखना, कोई भी चीज डायरेक्ट मटेरियल तभी हो सकती है जब वो डायरेक्ट तो है. डायरेक्ट के लिए 2 conditions सेटिस्फाई करना वो जरूरी है. कौन सा 2 condition? इट शुड बी वेरिएबल. सेकेंड, इट शुड बी वेरिएबल बेस्ड अपॉन विच क्वांटिटी बेटा? क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड. ठीक है, तो वो 2 condition तो सेटिस्फाई हो गई. लेकिन उसके बाद जरा सोचो, देर आर 3 heads. नो, मैंने अभी अभी तुम लोग को न्यू 3 heads दिए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो कौन सा एक्सपेंस डायरेक्ट मटेरियल के अंदर जाएगा? इट इज दैट एक्सपेंस विच इज इनकर्ड ऑन दैट मटेरियल विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ योर प्रोडक्ट. याद रखना, हर एक मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल नहीं होता. एग्जांपल पहले मेरे को बोलो, मैं तुमको प्लास्टिक का एग्जांपल दिया. क्या इस पेन के अंदर प्लास्टिक है तुमको दिखाई दे रहा है? इस पेन के अंदर प्लास्टिक है तुमको दिखाई दे रहा है? अरे यस या नो तो बोलो ना यार.
यस, तो वो मेरे प्रोडक्ट का पार्ट है ना, सो देयरफॉर इट इज डायरेक्ट मटेरियल. ठीक है, अभी कुछ और बोलता हूं. सपोज ये पेन को बनने के लिए मशीन्स के अंदर से पास होना पड़ेगा. ठीक है, मशीन को चलने के लिए कोयला भी चाहिए. ठीक है, मशीन्स को चलने के लिए कुछ ना कुछ तो वो चाहिए रहेगा, तो कोयला भी सपोज चाहिए. मैं बोलो क्या इस पेन के ना कोयला भी छुपा हुआ है? नहीं. सो इट इज नॉट डायरेक्ट मटेरियल. डायरेक्ट मटेरियल इज एनीथिंग दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ योर प्रोडक्ट. अगर प्रोडक्ट का पार्ट है तो फिर वो डायरेक्ट मटेरियल है. एग्जांपल मेरे को जरा बोलो, तुम्हारे पास बुक है? ओके, मेरे को बोलो इस पेपर योर डायरेक्ट मटेरियल? यस, यू कैन सी पेपर. नो, इज इंक योर डायरेक्ट मटेरियल? यस, यू कैन सी द इंक. नो, ओके. लेकिन मेरे को जरा बोलो, सपोज ये जो बुक है उसको बनने के लिए मशीन के अंदर से पास होना पड़ता है, मशीन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए. क्या टच करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी का करंट भी लगता है? नहीं ना. तो इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट डायरेक्ट मटेरियल. ओके, डायरेक्ट मटेरियल इज दैट पर्टिकुलर मटेरियल जो तेरे प्रोडक्ट के अंदर होता है. तो बेंच पर बैठता है, इज वुड योर डायरेक्ट मटेरियल? यस. इन दिस केस इज द आर द नेल्स योर डायरेक्ट मटेरियल? यस. चाहे वो तेरे को दिखाई नहीं देता लेकिन वो प्रोडक्ट के अंदर तो है ना यार. ओके, तो वो तुम्हारे प्रोडक्ट का पार्ट होना चाहिए तभी वो डायरेक्ट मटेरियल है, वरना उसको किधर भी लेके जाना. एग्जाम्पल जो कोयले का खर्चा है, ओके, वो डायरेक्ट मटेरियल के अंदर तो नहीं आएगा, किधर और आएगा दैट वी विल सी एट दैट टाइम, लेकिन वो डायरेक्ट मटेरियल के अंदर नहीं आएगा. डायरेक्ट मटेरियल वही चीज होती है जो तुम्हारे प्रोडक्ट के अंदर होता है, वरना वो डायरेक्ट मटेरियल नहीं होगा. तू टी शर्ट पहनता है, उसके ना क्लॉथ है, इस क्लॉथ योर डायरेक्ट मटेरियल? यस, नो, ओके, बिकॉज इन दैट केस यू कैन सी, यू कैन फील दैट क्लॉथ. ओके, तो डायरेक्ट मटेरियल नेक्स्ट साइन पे जरा लिखो, इट इज दैट डायरेक्ट कॉस्ट, इट इज दैट डायरेक्ट कॉस्ट विच is incurred on that material which forms part of the product. सुनो, अपने हिसाब से अभी कोई और एग्जाम्पल बोलो जो मैंने वो नहीं दिया. मेरे कोई भी एक मटेरियल का एग्जाम्पल देना जो मैंने वो नहीं दिया. तो तुम्हारे हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट का एग्जाम्पल दैट यू ऑल थिंक, लेकिन कुछ और एग्जाम्पल देना एज कम्पेयर टू वट एवर आई हैव गिवन. तो कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, इधर उधर देख के तो कुछ भी बोल दो, आई एम ऑल ओके फॉर दैट. चलो, तुम लोग दिन का सबसे ज्यादा क्या चीज यूज करते हो? ओके, तो फोन का एक एग्जांपल दे दो. फोन के ना मटेरियल क्या हो सकता है? एक ग्लास हो सकता है, उसके अंदर एक प्रोसेसर होएगा वो हो सकता है, अंदर एक रैम होएगा वो हो सकता है, अंदर एक हार्ड डिस्क होगी वो हो सकता है. एनीथिंग दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ योर प्रोडक्ट विल बी नथिंग बट योर डायरेक्ट मटेरियल. आगे जरा लिख के रखो एग्जाम्पल, ग्लास इन अ मोबाइल फोन. वील हैव योर एग्जाम्पल्स, वो मेरे एग्जाम्पल्स नहीं लिखेंगे. सेकेंड, राइट डाउन डायरेक्ट लेबर. अच्छा सुनो, याद रखना, तुम लोगों ने ना डायरेक्ट एक्सपेंसेस के दो कंडीशन तो सेटिस्फाई कर लिए, लेकिन उसके बाद तो तीन हेड हैं, तो किधर जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल के अंदर जाएगा. डायरेक्ट मटेरियल तो वो वाला चीज होता है जो तेरे प्रोडक्ट के अंदर होता है. अपना डायरेक्ट लेबर का एग्जाम्पल जरा याद करो, मैंने तुमको क्या समझाया था. सपोज एक वर्कर मेरे लिए एक शर्ट बनाता है, एक शर्ट बनाएगा, मैं उसको 100 रुपए देगा. मेरे को बोलो क्या वर्कर मेरी शर्ट के अंदर बैठ गया? नहीं ना. ओके, तो इन दैट पर्टिकुलर केस ही इज नॉट डायरेक्ट मटेरियल. एक मिनट, मैं वर्कर की बॉडी से शर्ट नहीं बनाता है. ओके, वर्कर हेल्प्स मी टू मेक द शर्ट. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट लेबर? डायरेक्ट लेबर इज द मनी पेड टू दैट वर्कर हु प्रोड्यूसेस माय प्रोडक्ट. अगर कोई भी वर्कर ऐसा होता है जो मेरा प्रोडक्ट बनाता है, हम लोग ऐसे वर्कर्स को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट लेबर. एग्जांपल, सपोज मैं इस क्लासेस को बेंचेस बना के देता है, ठीक है, तो मेरे पास कारपेंटर लोग हैं जो लोग बेंच बनाएगा. ओके, तो दोस्त कारपेंटर्स आर नथिंग बट डायरेक्ट लेबर. जिस वर्कर ने ये वाला शर्ट बनाया ही इज अ डायरेक्ट लेबर. अभी उल्टा एग्जाम्पल देता हूं कि क्या डायरेक्ट लेबर नहीं है. याद रखना,
हर एक लेबर कॉस्ट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट नहीं होएगा. ओके एग्जांपल, मैंने एक वर्कर को बोला भाई एक शर्ट बनाता है तेरे को 100 रुपए देगा. बोलता सब ठीक है दो फिर. तो मैंने बोला तो एक शर्ट तो बना. ओके उसने शर्ट बनाया, मैंने उसको 100 रुपए दिया. ठीक है, अभी एक और वर्कर को भी मेरे को वही वाला चीज वो बोलने का था, तू एक शर्ट बनाएगा तेरे को 100 रुपए देगा. लेकिन ना वो वाला वर्कर मेरे को बहुत बेकार लगता था, मेरे को लगता था कि वो काम कभी अच्छा ही नहीं करता. तो मैंने एक और बंदे को पकड़ा, मैंने उसको बोला देख ये वर्कर एक शर्ट वो बनाता है कि नहीं, अगर इसने एक शर्ट वो बराबर बनाया मैं तेरे को 20 रुपीज देगा इस सुपरविजन चार्ज. मेरे को जरा बोलो, जो मैं इस वर्कर को दे रहा हूं वो तो डायरेक्ट लेबर है, ही इज मेकिंग माय प्रोडक्ट. लेकिन जो मैं इस बंदे को बोल रहा हूं देख ये बंदा एक शर्ट बनाता है कि नहीं, अगर ये बंदा एक शर्ट बनाएगा आई विल पे यू ₹20 है सुपरविजन चार्ज. मेरे को बोलो क्या ये वाला बंदा शर्ट बना रहा है? नहीं. सो देयरफॉर ही इज नॉट अ डायरेक्ट लेबर. डायरेक्ट लेबर वो होता है जो बंदा तुम्हारा प्रोडक्ट बना रहा है. ओके एग्जांपल के तौर पे, चीप एग्जांपल लेकिन वो ठीक है, ऑल फैकल्टीज आर डायरेक्ट लेबर. ओके लेकिन अभी एग्जांपल बहादुर इज देयर, कदम इज देयर. ओके क्या वो लोग इधर आके तो पढ़ाता भी है? नहीं ना. दोज गाइज आर नॉट डायरेक्ट लेबर. ओके सपोज एक वर्कर है जो फैक्ट्री के अंदर वो झाड़ू मारता है, मेरे को बोलो क्या वो डायरेक्ट लेबर है? नहीं, क्योंकि वो प्रोडक्ट नहीं बनाता. एक वर्कर है जो मशीन को साफ करता है, क्या वो डायरेक्ट लेबर है? नहीं, क्योंकि वो प्रोडक्ट नहीं बनाता. डायरेक्ट लेबर इज अ मनी पेड टू दोज वर्कर्स हु प्रोड्यूस योर प्रोडक्ट. अगर प्रोडक्ट बनाया तो डायरेक्ट लेबर, वरना तू किधर भी जा भाई लेकिन तू डायरेक्ट लेबर के अंदर नहीं आएगा. ठीक है, डायरेक्ट मटीरियल इज दैट मटीरियल विच इज देयर इनसाइड योर प्रोडक्ट. डायरेक्ट लेबर इज दैट वर्कर हु मेक्स योर प्रोडक्ट. ओके तो यहां पे आप लोग लिख के रखो, दिस इज मनी पेड, दिस इज मनी पेड to those workers who produce the product. Example, a carpenter making the bench. बोथ हो गया तो एक ही लिखो, अ कारपेंटर मेकिंग अ बेंच, बस एक्सेट्रा. बहुत सारे एग्जांपल्स विल कीप ऑन कमिंग जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. चलो लिखो थर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. अच्छा अभी सॉरी फॉर वन थिंग, मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस का तुमको कोई डेफिनेशन वगैरह ऑब्वियसली नहीं दे सकता, क्योंकि ICWA ने भी क्या एक ही लाइन वो बोल दिया. क्या लाइन बोला? एनी अदर एक्सपेंस, एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंस विच डज नॉट कम ओवर हियर, विच डज नॉट कम ओवर हियर विल ऑटोमेटिकली बी कमिंग वेयर यार, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो ICWA भी क्या बोलता है, पहले देख लो यार ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होता है. You tell me yes or no. Yes. ये वाला condition satisfy होता है? Yes. तो फिर वो इस head के अंदर आएगा. लेकिन इस head के अंदर आकर बेटा देरा 3 further heads नो. Okay. तो फिर तुम किधर जाएगा? तो पहले सोच लो. Is that a expense incurred on that material which is forming part of the product? If you say yes, तो फिर वो वाला expense इधर आ जाएगा. If you say no, तो फिर next चीज test करो. Is it amount paid to the worker who produces your product? If you say yes, तो फिर वो वाला amount इधर आ जाएगा. और क्या? If you still say no, so then it is all finished. Then you will land up ending over here only. Okay, so that will be nothing but direct expenses. So direct expenses ka koi definition nahi hota. It is any other direct cost will be now called as what here? Direct expenses. The story is all over. Theek hai bas. That is whatever we are about to be doing as such. Okay, so yahan pe likh ke rakho. Next line pe likh ke rakho. Any other direct cost will be called as direct expenses. Any other direct cost will be called as direct expenses. अच्छा जरा सोचो अभी, हम लोग मर्सिडीज कार को, हम लोग मर्सिडीज कंपनी को रॉयल्टी पे कर रहे हैं. मेरे को बोलो क्या 1 lakh rupees पे करके तो कुछ मटेरियल उन लोगों से खरीदा?
नहीं खरीदा सर। अच्छा, क्या मर्सिडीज वाले लोगों ने तेरे लिए कार बनाया? नहीं बनाया, कार तो आप उन लोगों की बना रहा था, लेकिन फिर भी ये वाली जो एक्सपेंस थी तुम्हारी, इसने ये दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई किया, तो ये वाला एक्सपेंस ना इधर आया ना इधर आया। अगर इधर और इधर नहीं आया तो बाय डिफॉल्ट किधर आ जाएगा बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आगे लिख के रखो एग्जाम्पल, रॉयल्टी पेड, रॉयल्टी पेड ऑन मैन्युफैक्चर, चलो सुनो, तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड वो हो गया। मैं तुमको एक चीज का डेफिनेशन वो नहीं दिया क्योंकि उसका डेफिनेशन नहीं होता है, एंड दैट इज नथिंग बट दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, नाउ यहां पे भी आप लोग एक काम अभी जरा वो कर लो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां पे एक बार इसको काट के आईसीए हैज नाउ सेड कि आप लोग उसको डायरेक्ट कॉस्ट बोल दो, ताकि फर्क पता चले कि ये डायरेक्ट कॉस्ट है और ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो मॉड्यूल के अंदर कभी बहुत जगह पे दिस कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसिस, बट नाउ शुड बी कॉल्ड एज डायरेक्ट कॉस्ट। तो एक्सपेंसिस वर्ड काटो, उसके ऊपर कुछ कलर्ड पेन से वो लिखना कॉस्ट। अच्छा तो सुनो, दुनिया में दो तरीके का कॉस्ट होता है। कौन से दो तरीके का? वन इज डायरेक्ट कॉस्ट, अदर इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग कॉस्टिंग है ना क्या बोल देते हैं, ओवरहेड्स। डायरेक्ट कॉस्ट का दो कंडीशंस होता है, कौन सा दो कंडीशन बोलो? वेरिएबल एंड शुड बी डिपेंडेंट अपॉन प्रोडक्शन। अभी इन दिस केस डायरेक्ट कॉस्ट का तीन सब बाइफर्केशन होता है, कौन सा तीन सब बाइफर्केशन? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब एनी अदर डायरेक्ट कॉस्ट, बस बात खत्म हो गई। कुछ भी मटेरियल के ऊपर खर्चा हुआ तो डायरेक्ट मटेरियल, लेबर के ऊपर खर्चा हुआ तो डायरेक्ट लेबर। ओके, और ये दोनों के ऊपर वो नहीं हुआ तो वो ऑटोमेटिकली किधर आ जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो चलो दिस वर्क इज ऑल टुगेदर डन, आज से इसको डायरेक्ट कॉस्ट ही बोलेंगे। ठीक है, वरना क्या है, अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो लिखते हैं ना तो अपने को पता नहीं चलता इसके बारे में बात कर रहे हैं कि इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब से वो वाले हेड को हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट ही बोल देंगे। चलो दिस पार्ट इज डन। अभी जैसे इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, याद रखना इसका भी कोई डेफिनेशन नहीं है, वी सिंपली से अगर कोई कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट नहीं हुई तो वो क्या हो जाएगी? इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब क्या? ओवर है। तो मतलब या ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, या ये वाला नहीं हुआ, या दोनों नहीं हुआ, तो ऑटोमेटिकली वो किधर आ जाएगा? ओवरहेड्स के अंदर। ठीक है, तो एक चीज तो मालूम है, तुम लोग क्या क्या करो, ऑल्दो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे लेकिन अगर कभी आ गए तो, और खासकर अगर बीकॉम के अंदर आ गए तो, हर एक एक्सपेंस को पहले दो टेस्ट मारो, क्या वो ये सेटिस्फाई करता है? इफ योर आंसर इज यस, फिर उसके बाद सोचो क्या ये भी सेटिस्फाई करता है? यस, तो फिर वो किधर आ जाएगा? डायरेक्ट कॉस्ट। और फिर आगे तुम्हारे पास तीन फर्दर बाइफर्केशन है, वो देख लो वो किधर आएगा। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, इधर चले जाओ। सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो इधर चले जाओ। कोई भी कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो किधर चला जाएगा? ओवरहेड्स के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर ओवरहेड्स के अंदर जाएगा तो उसके बाद फिर हम लोग आगे क्या करें? तो फिर आगे वी से देयर आर इन दिस केस फोर टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स। ओके, तो यहां पे आप लोग सबसे पहले अभी लिख के रखो, फर्स्ट राइट डाउन फैक्ट्री ओवरहेड्स। अच्छा, अभी फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स का मतलब क्या? देखो एक चीज हमेशा याद रखना, जब मैं तुमको ओवरहेड सिखा रहा हूं ना, मतलब वो वाला एक्सपेंस डायरेक्ट कॉस्ट तो नहीं है, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट कॉस्ट होता तो फिर तू इधर ही चला गया रहता। फैक्ट कि तू इधर नहीं है तो इधर है, उसका मतलब क्या है? वो वाली चीज क्या है? ओवरहेड्स है। ठीक है, लेकिन अगर ओवरहेड्स है तो बेटा ओवरहेड्स के अंदर आई एम गोइंग टू बी गिविंग यू फोर बाइफर्केशन। कोई भी चीज फैक्ट्री ओवरहेड्स कब होती है याद रखना, एक तो वो ओवरहेड्स तभी होगी जब भी वो डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है। ठीक है, वो तो एक चीज है ही है, लेकिन ओवरहेड्स के ना फैक्ट्री ओवरहेड्स कब होगी? When it is an expense incurred before the goods move out of the factory. अगर कोई भी ऐसा खर्चा सोच सकते हो जो goods factory से बाहर निकलने से पहले होता है, all such expenses will be called as which expenses? Factory overheads. बस मैं अगर तुमको नाम गिनाने के लिए जाऊं, शायद 10-20 हजार नाम तुम लोग को दे ही सकता हूं, मैं तुमको तीन या चार ही देता हूं। ठीक है,
क्योंकि आई के नॉट हैव एग्जॉस्टिव लिस्ट. हर एक कंपनी के अपने खर्चे होते हैं, एवरी कंपनी इज डिफरेंट यार. ओके सो एग्जाम्पल, एक हम लोगों ने मशीनरी खरीदा, ठीक है, मशीनरी के ऊपर डिप्रिसिएशन आएगा, दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स. एक बंदा मशीनरी को साफ करता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स. फैक्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, फैक्ट्री ओवरहेड्स. एक बंदा फैक्ट्री को झाड़ू मारता है, वो डायरेक्ट लेबर के अंदर नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा इनडायरेक्ट लेबर? क्योंकि वो प्रोड्यूस नहीं करता, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स. मैंने फैक्ट्री रेंट पर ली हुई है तो उसका रेंटल आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स. फिर अगर फैक्ट्री मेरा खुद का है तो उस बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन आ सकता है, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स. फैक्ट्री संभालने के लिए एक मैनेजर है, फैक्ट्री ओवरहेड्स. ओके सो इन दिस पर्टिकुलर केस, एनी एक्सपेंस दैट यू इनकर बिफोर द गुड्स मूव आउट ऑफ द फैक्ट्री गेट विल बी कॉल्ड एज इन दिस पर्टिकुलर केस फैक्ट्री ओवरहेड्स. ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट योर फैक्ट्री ओवरहेड्स एज सच. ठीक है, तो यहां पर आप लोग लिख के रखो दोज एक्सपेंसेस. Which are incurred before the goods move out of the factory gate. Example, electricity in the factory, comma, depreciation of machinery rent of the factory. एसेट्रा बहुत हो गया. सेकेंड यू ऑल राइट डाउन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. अच्छा लेकिन सुनो, अभी ना ये बाइफर्केशन अगर तुम लोग आईपीसीसी करते तो नहीं आता, लेकिन अभी न्यू चीज के अंदर ये वाला बाइफर्केशन वो आता है. एडमिनिस्ट्रेशन, तुमको एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड का मतलब तो मालूम होएगा, सर वी आर ट्राइंग टू मैनेज द थिंग्स और क्या. ठीक है, अभी ये लोग क्या बोलते हैं, अभी जो न्यू वाला चीज है तो उसके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स क्या होता है? एनी एक्सपेंस दैट इज इनकर्ड टू मैनेज समथिंग, टू एडमिनिस्टर समथिंग. ठीक है, जरा सोचो, हर एक बड़ी कंपनी का एक ऑफिस भी तो होएगा, ओके, जहां से सब कुछ वो संभाला जाता है. उस ऑफिस के जो भी तुम्हारे खर्चे हैं वो किधर आ जाएंगे बेटा? यहां पर. ओके, अगेन एग्जांपल देने के लिए जाऊं, बहुत एग्जांपल्स आई कैन ट्राई टू गिव यू. एग्जांपल जरा सोचो, एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका एक सीईओ तो होगा, ओके, उसको सैलरी दिया जाता है, ओके, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन, वो कंपनी संभालता है. ठीक है, एक सपोज तुम्हारा बंदा होगा जो अकाउंटेंट होगा, ओके, तो उसको भी पैसा देगा, ओके, उसके बाद ऑफिस जो है भाड़े पर लिया हुआ है, ऑफिस का रेंट आएगा. सपोज ऑफिस के अंदर बहुत सारे प्यून्स वगैरह हैं, तो उनका जो सैलरी आएगा. ऑफिस के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है. ठीक है, फिर उसके बाद जब तुम लोग सीए बन जाओगे, यू माइट डू ऑडिट समवेयर, ओके, जो ऑडिटर्स होते हैं उनको जो सैलरी जाएगा, जो भी तुम्हारे ऑफिस का खर्चा हो सकता है सारा का सारा किधर आ जाएगा? इधर. लेकिन अभी ICWA ने एक नया चीज निकाला, वो बोलते हैं नहीं, सिर्फ ये मत करो, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर दो टाइप ऑफ खर्चे डालो. तो अभी एक काम जरा करो, यहां पे लिख के रखो, फर्स्ट राइट डाउन लिखो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री. ऐसा ही लिख के रखना जैसे मैंने लिखा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स for administration of office, sorry, of factory. अभी देखो institute क्या बोलता है, institute मतलब institute of cost and works accountant, क्योंकि obviously मैं तुमको costing सिखा रहा हूं,
जब ही शर्मा सर तुमको अकाउंट सिखाएंगे ही विल टॉक ऑफ आईसीएआई. ओके, मैं आईसी इंस्टीट्यूट फॉर माय सब्जेक्ट इज विच इंस्टीट्यूट आईसी फॉर हिम इट इज विच आईसीएआई. ठीक है, तो वो अलग मैं अलग. ओके, सुनो नाउ इन दिस केस नो एग्जांपल. आज की डेट में आईसीडब्ल्यूए क्या बोलता है कि जो तुम्हारा एडमिन ओवरहेड्स है ना उसको दो हिस्सों के अंदर बांटो. कौन से दो हिस्सों के अंदर? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स फॉर एडमिन ऑफ फैक्ट्री. वो लोग क्या बोलता है कि ना फैक्ट्री के अंदर भी तो मैनेजमेंट लगता है ना, आपको ऑफिस को मैनेज करना पड़ता है. दो एग्जांपल देता है उसका. मेरे पास एक फैक्ट्री मैनेजर है, ओके, उसको मैं सैलरी देगा. टेक्निकली तुम लोग ऐसा सोच सकते हो, सर ये वाला खर्चा तो इधर ही आ जाना चाहिए था. यस, इधर आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी न्यू पोर्शन के हिसाब से, न्यू फॉर्मेट्स के हिसाब से वो लोग क्या बोलते हैं, अगर कोई भी खर्चा ऐसा है विच इज इनकर्ड फॉर बेटर मैनेजमेंट ऑफ द फैक्ट्री, ओके, फिर आप उसको अलग से एक हेड बनाओ. और वो हेड क्या है बेटा? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्री. एक और एग्जांपल देता है, मेरे वर्कर लोग ना बहुत कमीना लोग, द मोमेंट आई टर्न माई बैक वो लोग कुछ काम नहीं करता, और मेरे को तो मालूम है. ओके, वो लोग इधर काम कर रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूं, वो लोग काम करता है, मैं जैसे ही घूमा वो लोग काम करना बंद करता है, मैं दोबारा घूमा वो लोग काम स्टार्ट कर. अभी ऐसा मैं कितनी बार तो वो घूमू. ओके, तो मैंने सीसीटीवी कैमरास तो वो डाल दिया और मैं ऑफिस से बैठ के सब देखता है. ओके, दैट सीसीटीवी कैमरास हेल्प मी टू मैनेज माई वर्कर्स इन अ प्रॉपर वे. वर्कर्स किधर होता है? फैक्ट्री के अंदर. ओके, तो ऑल सच एक्सपेंसिस will be coming over here. ठीक है, old portion के अंदर, old चीज के अंदर जब भी IPCC था, ऐसे वाले expenses directly इधर ही आ जाते थे. लेकिन अभी ICWA ने क्या बोला, नहीं नहीं नहीं, ये वाले खर्चों के लिए अलग से आप लोग हेड बनाओगे. और वो हेड क्या है बेटा? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री. याद रखना, उसका मतलब ये नहीं है इस हेड के अंदर कोई खर्चा नहीं आएगा. इस हेड के अंदर तो बहुत सारे खर्चे आएंगे, जो भी मैंने तुम लोग को लिस्ट दिया. एग्जाम्पल, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी. मेरे को बोलो, डज दैट एक्सपेंडिचर हेल्प यू टू मैनेज योर फैक्ट्री बेटर? बोलो येस और नो. नो, तो वो तो अभी भी इधर ही आएगा बेटा. ओके, लेकिन अगर कोई भी खर्चा ऐसा है दैट हेल्प्स यू टू बेटर मैनेज योर फैक्ट्री, तो फिर वो वाला जो चीज है वो इधर आ जाएगा. मैं तुमको दो एग्जांपल लिख के देता है, वो लिखो जरा प्लीज. एग्जांपल, सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर. कॉमा, डेप्रिसिएशन on CCTV cameras. आगे second लिखो इधर, other office expenses. इसको आजकल ICWA general administration भी बोल देता है. अच्छा, इनफैक्ट मैंने तुमको मोस्टली जो भी एग्जांपल्स दिए वो इधर के ही तो एग्जांपल्स दिए. जो भी तेरा ऑफिस का खर्चा होएगा वो इधर आ जाएगा. एक सीईओ था, उसका सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा जो तेरे ऑफिस के अंदर होता है, ऑफिस का भाड़ा, वो सारे के सारे. एग्जांपल, अपना एक डायरेक्टर था, मैंने उसको कार प्रोवाइड किया हुआ है कंपनी की तरफ से, कार का डिप्रिसिएशन. उसको एक ड्राइवर भी दिया हुआ है, तो ड्राइवर का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा भी कंपनी बेयर करता है. एक ऑडिटर है, उसका भी खर्चा. ऑल सच एक्सपेंसिस विल बी कमिंग. अपना कंपनी का एक इन हाउस वो वकील है, कभी भी कोई केस वगैरह हुआ वो बंदा डील करता है, तो मैं उसको कुछ ना कुछ तो पे करता हूँ. ओके, तो सच एक्सपेंसेस, जो भी तुम्हारा खर्चा ऑफिस के अंदर हो सकता है, वो सारा का सारा खर्चा तुम्हारा इधर ही आ जाता है. तो यहां पे वन एग्जांपल यू ऑल कैन राइट नाउ, लिखो एग्जांपल, ऑफिस रेंट, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस रेंट ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी कॉमा, सैलरी ऑफ द सीईओ एसेट्रा. बहुत हो गया. उसके बाद लिखो थर्ड, ये तुम्हारा लास्ट हेड है. लिखो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग. अच्छा सुनो,
ऑब्वियसली सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग. जरा सोचो, तुम लोगों ने गुड्स बना लिया, तुम्हारा ऑफिस है, सब कुछ इज ऑल परफेक्ट. मेरे को बोलो लेकिन पैसा किधर से आएगा? मेरे को बोलो एक आदमी पैसा तो कैसे कमाएगा गुड्स बेच के? बेटा गुड्स बेचने वक्त तेरे खर्चे तो होते हैं कि नहीं यार? ओके जरा सोचो, गुड्स को बेचने का है, ठीक है? अगर गुड्स को बेचने का है, सबसे पहले ना आपने को गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट वो करवाना पड़ेगा. एग्जाम्पल, एक सिंपल चीज है, सपोज एप्पल कंपनी है, फोन तो चाइना के अंदर बनता है, ओके, उसके बाद इंडिया आता है. इंडिया क्यों आता है? वो बेचने के लिए ही ना, ओके. तो ऑब्वियसली एनी एक्सपेंस दैट यू इनकर टू सेल योर प्रोडक्ट और टू डिस्ट्रीब्यूट योर प्रोडक्ट और टू मार्केट योर प्रोडक्ट, एग्जाम्पल के तौर पे सेलिंग एक्सपेंसेस, एनी एक्सपेंस दैट हेल्प्स यू टू प्रमोट योर सेल्स, एग्जाम्पल से एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, दैट इज नथिंग बट सेलिंग कॉस्ट. डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, बेस्ट एग्जाम्पल, सपोज देखो लेक्चर के बाद बहुत सारी वो भूख लगी, ओके, तूने 4.5 घंटे वो लेक्चर अटेंड किया, तू पागल हो गया, ओके, बोलता है मैं पिज्जा खाएगा, ओके, तो पिज्जा का बंदा डिलीवरी के लिए आया, दैट इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ओके. एनी एक्सपेंस दैट इज इनकर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट टू द कस्टमर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, और all these expenses you can simply call as marketing expenses also, okay, all such expenses will be coming over here, okay. So this is your final thing, selling, distribution and marketing. So yahan pe you all can write down those expenses which are incurred. ये लास्ट 2 or 3 लाइंस ही हैं, फिट कर सकते हो तो कर देना, तो सब कुछ एक ही पेज में खत्म हो जाएगा. दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड, टू सेल, डिस्ट्रीब्यूट और मार्केट द प्रोडक्ट. एग्जाम्पल मार्केट, एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट, सेल्समैन कमीशन एसेट्रा. बस करो, एडवर्टाइजमेंट, सेल्समैन कमीशन चलो सुनो, तुम्हारा ये वाला जो बाइफर्केशन ऑफ कॉस्ट है दैट इज ऑल ओवर. सुनो अभी जरा याद रखना, यही चीजों को ना हम लोग एक ऑर्डर के अंदर अरेंज कर देंगे एंड दैट न्यू स्टेटमेंट विल बी कॉल्ड एज कॉस्ट शीट, जो तुम्हारा मेरा फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है? बस उससे पहले थोड़ा सा जनरल नॉलेज दैट यू ऑल शुड हैव. तुम लोग मेरे साथ जो करने वाले हो दैट इज कॉस्टिंग सब्जेक्ट, ओके. तुम्हारे ब्लड के अंदर जो है ऑब्वियसली वो कौन सा सब्जेक्ट है बेटा? अकाउंट्स, ओके, वो तो चलता ही आ रहा है, ओके. थोड़ा सा फर्क है ऑब्वियसली, कॉस्टिंग अकाउंट्स, दिस इज मैनेज्ड बाय विच इंस्टीट्यूट? ICAI, दिस इज मैनेज्ड बाय ICWA, ठीक है? यहां से ग्रेजुएशन करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलता है? कॉस्ट अकाउंटेंट, ओके. यहां पर जो है अपने को उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट, वी नो द स्पेलिंग, तो मैं CH वो लिख रहा हूं, ठीक है? आगे नाउ थोड़ा सा चीजें याद रखना, ओके, एज अ जनरल नॉलेज ऑल्सो इफ समबडी विल आस्क यू. याद रखना, फर्स्ट अगर तुम लोग अकाउंटेंट है ना, अगर तुम लोग वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अकाउंट्स का हर साल का एक एम रहता है और वो एम बेसिकली क्या है? सर आई वुड लाइक टू नो प्रॉफिट और लॉस, ठीक है? तो उसके लिए आप लोग क्या बनाता है बेटा? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ठीक है? यू ऑल मेक दैट पर्टिकुलर थिंग. सर आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो वट इज माई स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ऐसे स्टेटमेंट को तुम लोग क्या बोल देता है? बैलेंस शीट. एंड एक और एम है जो तुमको इंटर के अंदर आकर वो पता चलेगा कि एक साल के अंदर पैसा किधर से आया, पैसा किधर गया. तुमको समझ में आएगा योर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट डजंट टॉक ऑफ मनी, इट टॉक्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू. एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन, जब डेप्रिसिएशन का एंट्री पास करते हो, डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होता है? तो कुछ भी एक एंट्री बोलो, एंट्री बोल दो, 11th स्टैंडर्ड से करते आयो, डोंट डिसरिस्पेक्ट योर अकाउंट्स. बोलो डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होता है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स, करेक्ट. उधर किधर कैश आया क्या? जब डेप्रिसिएशन लिखता है तभी कुछ कैश पे करता है क्या किसी को? नहीं ना, वो तो बस एक एंट्री होती है. सर बहुत सारा खर्चा कर लिया, थोड़ा थोड़ा हर साल चार्ज वो करता रहेगा, उसी चीज को हम लोग डेप्रिसिएशन, करेक्ट? नो, वही चीज डेप्रिसिएशन. लेकिन उससे ना ये चीज क्लियर नहीं होता कि पैसा किधर से आया, पैसा किधर गया.
उसके लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 था, उसने क्या बोला, हर साल कंपनी को एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज कैश फ्लो स्टेटमेंट. ओके, कैश फ्लो स्टेटमेंट था तुमको इन सीए फाउंडेशन? नहीं था. तो इन एनी केस वो सीए इंटर के अंदर वो आ जाएगा. ठीक है, तो इससे ये पता चलता है प्रॉफिट कितना आया, इससे ये पता चलता है कि तुम्हारा एसेट और लायबिलिटी का पोजीशन कैसा है, थर्ड इससे ये पता चलता है पैसा किधर से आया, पैसा किधर से गया. ठीक है, कोई भी कंपनी का तुम लोग फाइनल अकाउंट्स उठाएगा, एग्जांपल हर साल के एंड में कंपनीज को अपना फाइनल अकाउंट्स देना पड़ता है टू द शेयर होल्डर्स. उस फाइनल अकाउंट्स के 3 पार्ट होते हैं. कौन से 3 पार्ट होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड पीएनएल. उससे क्या पता चलता है? प्रॉफिट. उससे क्या पता चलता है? प्रॉफिट. सेकेंड तुम्हारा बैलेंस शीट. उससे क्या पता चलता है? एसेट एंड लाइबिलिटीज. थर्ड कैश फ्लो से. उससे क्या पता चलता है? पैसा किधर से आया, पैसा किधर गया. ठीक है, अभी एग्जाम्पल एग्जाम्पल ये वाला स्टेटमेंट बहुत जरूरी होता है इन रियल लाइफ. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि तूने खर्चा बहुत ज्यादा कर दिया, लेकिन वो वाला खर्चा करने के लिए पैसा किधर से आया. सपोज अगर तूने बहुत ज्यादा लोन लिया, तो ये वाली चीज आपको ये दोनों से नहीं पता चलेगा, लेकिन किधर से पता चल जाएगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट से. ठीक है, एज अ शेयर होल्डर मेरे को पता होना चाहिए ना कि पैसा किधर से आ रहा है. अगर पैसा लोन लेके आ रहा है, एग्जांपल जो विजया माला ने किया था, ऐसा कभी नाम सुना? वो कौन था बंदा? जो किंग फिश है. अभी उसने 9,000 करोड़ रुपए का लोन लिया, उसी से सारे के सारे वो खर्चे किए, मतलब उसका सेल्स तो नहीं हो रहा था. तो ऐसा धंधा जो सिर्फ लोन लेकर ही तो वो करता है, वो तो घटिया धंधा हो गया ना. तुमको समझ में आता है मेरी बात? अल्टीमेटली मेरे को बोलो, बिजनेस चलाने के लिए तुम्हारे पास पैसा कहां से आना चाहिए? यू हैव टू सेल गुड्स. नो, जब तक तुम लोग प्रोडक्ट नहीं बेचेगा तो इट इज नॉट अ गुड बिजनेस यार. ओके, पैसा आएगा तो खर्चा होना चाहिए ना. तुमको समझ में आता क्या बोलता है? तो ऑब्वियसली एट दैट टाइम ये कैश फ्लो स्टेटमेंट वाज इंट्रोड्यूस फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, ताकि शेयर होल्डर्स को पता चले कि कंपनी के पास पैसा किधर से आया और पैसा किधर जा रहा है. ठीक है, ये हो गया अकाउंट्स का बात. मैं तुमको अकाउंट्स नहीं सिखाएगा, सॉरी. ओके, मैं कॉस्टिंग पर आता हूं. तो कॉस्टिंग के अंदर जो फाइनल अकाउंट स्टेटमेंट है, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट शीट, जो अपना चैप्टर नंबर 1 है. ठीक है, बेसिकली कॉस्ट शीट का एक ही एम है, इट विल स्टार्ट टू टेल यू व्हाट इज योर कॉस्ट पर यूनिट. बस दैट इज द ओनली एम. तुम्हारा प्रोडक्ट है, ओके, तुम लोग वो बनाया इस साल, ओके, साल के एंड में पता होना चाहिए इस प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना. जब ही स्टार्ट करेंगे तभी इजी चीज से स्टार्ट करेंगे. एक ही प्रोडक्ट होएगा, ओके, एक ही प्रोडक्ट होएगा तो उसका कॉस्ट निकालना बहुत इजी होएगा. धीरे 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 बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे. एग्जाम्पल मेरे को बोलो, एप्पल कंपनी, वो लोग एक ही टाइप ऑफ प्रोडक्ट वो बनाता है, तो उनके प्रोडक्ट्स के नाम बोलो. चलो तो तुम लोग भी बोलो तो देखते हैं अपनी जनरल नॉलेज वो कैसी है. बोलो तो वो लोग क्या क्या बनाता है? आईफोन बनाता है, आईपैड बनाता है, आई वॉच बनाता है, मैकबुक बनाता है. मैकबुक सुना हुआ है, जो लैपटॉप्स आते हैं उनके. अभी जरा सोचो, मेरे को बोलो क्या हर एक चीज के लिए उनके पास अलग अलग फैक्ट्री है क्या? बोलो उनके पास 4 फैक्ट्रीज हैं क्या? 4 चीजें तो वो बनाने के लिए. अरे यस या नो कुछ बोलो ना यार. नहीं ना, उनके पास एक ही फैक्ट्री होएगा, शायद उसके ना मशीन्स अलग अलग होंगी. ओके, तो कैन यू से रेंट जो उनका एक कॉस्ट है वो तो कॉमन कॉस्ट है. एग्जांपल इसी रूम के अंदर सुबह फाइनल सीए चलता है, उसके बाद तुम्हारा सीए इंटर चल रहा है, ओके, शाम को सपोज फाउंडेशन भी चलेगा. मेरे को जरा बोलो, क्या मैं हर एक के लिए रेंट अलग अलग देता हूं? नहीं, रेंट तो एक सिंगल कॉस्ट है. लेकिन अगर वो सिंगल कॉस्ट भी है तो भी वो हर एक प्रोडक्ट के अंदर तो जाना चाहिए. ओके, तो धीरे धीरे तुम्हारे लिए ये चीज कॉम्प्लिकेटेड वो होता जाएगा. तो बेसिकली कॉस्टिंग के अंदर हम लोग कॉस्ट शीट बनाता है ताकि हमको हमारे प्रोडक्ट का कॉस्ट मिल जाए. सर कॉस्ट एक बार मिल गया तुम क्या करेगा उसके साथ? 2 चीजें. फर्स्ट, अगर मेरा कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो मैं कॉस्ट को कम करने का ट्राई करेगा. और क्या? ओके बेटा, कॉस्ट कम करने से यू विल इंक्रीज योर प्रॉफिट. नो, कॉमन सेंस है, मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड. नो, तुम्हारा मम्मी पापा तुमको पॉकेट मनी तो वो देता होएगा और बोलता होएगा पैसा अच्छे तरीके से खर्चा वो करने का. मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड. नो इन लाइफ. दूसरा, ऑब्वियसली इन दिस पर्टिकुलर केस मेनी टाइम्स इफ यू नो प्रॉपर कॉस्ट
You can use it to fix your selling price also. Example, I thought 20 rupees is my cost. I want 1/4 of that as my profit. So therefore, selling price of my product will become kitna yaar? 25. Okay. Beta, cost nikal lo. Uske baad cost ke bahut sare use aage ho sakte hain. So costing only tells you ki bhai cost kaise nikalne ka. Aage tu soch, wo wala information tere ko kaise kaam mein aa sakta hai. Wo tumhara creativity hai. How you all can try to use that particular cost. Theek hai? Like example, when I graduated as a chartered accountant in 2002, I was a cost consultant for 2 years. Abhi, that time, example, this is just an example that I usually do. Abhi 2003 ke andar, Balaji Telefilms. Tum logon ne suna hai Balaji Telefilms? Kiska hai? Kiska hai? Ekta Kapoor ka hai. Okay. Now in 2003, she had appointed me as a cost auditor. Okay. Apna kaam kya tha? Whenever they had to be shooting the entire thing. Okay. Un logo ka cost bahut zyada hota tha. So they had told us, for 1 month, you try to look into our systems and try to do something taki apna cost kam ho jaye. Approximately, ek serial ka cost at that time was around 8 lakh rupees for them. Jo cost tha, excluding the money paid to the artist wagera. Okay. In around 4 months, we cut down that cost from 8 lakh rupees to 4 lakh rupees. Okay. By doing like, you know, ye system wo aisa chale, yahan par aap cost wo bacha sakte ho, so on and so forth. Okay. So basically what I'm trying to tell you is that, aap log cost nikal lo. Aage you try to think uska use kya kya ho sakta hai. There are many people who are cost consultants. Wo aapka system dekh ke, aapko wo bol dete hain ki cost kaise kam karne ka. I'll give you one example of that. Suppose, अभी हमारे lectures जो हैं, they all get recorded, okay, this camera, it records our lectures. अभी for CA final, my lectures go to around 54 centers of India, okay, whereby like, you know, the students come, they all see the lectures. अभी हम लोगों ने पिछले साल, we had some other system, not this particular system. तो पिछले साल तक जो system था, क्या होता था? Lectures record होता था. We have an editing team on the first floor. वो लोग edit वगैरह वो करता था. उसके बाद encrypt करता था. तुमको encrypt का मतलब वो समझ में आता है? मतलब कोई भी उसको नहीं देख सकता. Okay. जिसको हम लोग authorize करेंगे, only those people can see those lectures. ठीक है? फिर उसके बाद वो वाले lectures हम लोग क्या करते थे? Example, in Jodhpur I have a center. वो बंदा अपना hard disk भेजेगा. हम लोग उसके lectures, तुमको hard disk ये सारी term समझ में आती है ना? हाँ. वो उसके lectures तो वो डालेगा. फिर उसके बाद यहाँ से वो courier होगा. फिर वहाँ पे जाके हम लोग उनको एक code देंगे. Then they can see those. अभी ये सब चीजों के ना time बहुत ज़्यादा था. Apart from that, cost बहुत ज़्यादा लगता था because they have to courier the hard disk. We have to courier the hard disk. तो ये चीजों के लिए time जाएगा. तो इस साल then we started away with this particular system. ये lecture जैसे ही खत्म हुआ, in 2 or 3 minutes, our final file is ready. अपने को इसको वो edit करने की ज़रूरत भी नहीं होती. This is final stage only, whereby everything is there. उसके बाद धनेश will take it on the first floor. उसको वो encrypt करेगा. He will put it on the Google Drive. तुमको Google Drive मालूम है? Google Drive. He'll put it on the cloud, and then in that particular case, they will download it. आज का तुम्हारा lecture, कल का in Jodhpur will be the first lecture. Okay. So automatically it speeds up the work, and most important, it has cut down our cost. Okay. At least पहले क्या होता था? हम लोग एक-एक महीने तक record करते थे, फिर उसके बाद वो बेचते थे. तो वहाँ पे batch used to be starting 1 month after this particular batch. लेकिन आज lecture हुआ, in Jodhpur will be starting from tomorrow. Okay. So these are the advantages that happened to us. So cost एक बार वो निकाल लो, then you can try to find out what is the use. ठीक है? एक last चीज, and then this part is all finished. याद रखना, CA बनने का एक बहुत बड़ा advantage, and one of the reasons कि लोग CA वो करते हैं, because एक तो याद रखना, accounts जो होता है, accounts मतलब financial accounts, जो तुम लोगों ने आज तक 11th standard से सीखा है ना, उस accounts को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? Financial accounts. ठीक है? मैं जो तुमको वो सिखा रहा हूँ, these are which accounts? Cost accounts. ठीक है? In India no, financial accounts is compulsory. Compulsory क्या मतलब क्या होता है? Example, मेरा 31st of March अभी आएगा. जैसे ही 31st of March आया, उसके 3 months के अंदर, I have to submit my manufacturing, trading and P&L account,
एंड अ बैलेंस शीट एंड अ कैश फ्लो स्टेटमेंट टू इनकम टैक्स का अथॉरिटीज. आई हैव टू गिव देम दैट पर्टिकुलर थिंग. मैं उनको नहीं बोल सकता मेरे को बैलेंस शीट का फॉर्मेट अच्छा नहीं लगता तो मैं नहीं बनाएगा. ओके, मैं उनको नहीं बोल सकता बिकॉज इन इंडिया फाइनेंशियल अकाउंट्स इज कंपल्सरी. एग्जाम्पल, तेरे डैडी ने कोई कंपनी का शेयर वगैरह तो वो लिया रहेगा. अभी जैसे ही साल खत्म होता है उनके पास एक रिपोर्ट आता है, शेयर होल्डर्स रिपोर्ट. उस शेयर होल्डर्स रिपोर्ट के अंदर ये तीनों चीजें होती हैं, दिस दिस एंड दिस, ये तीनों चीजें होती हैं. ओके, कोई कंपनी कभी ऐसा नहीं बोल सकता मेरे को पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट नहीं अच्छा लगता, मैं पीएनएल अकाउंट तो वो बनाएगा नहीं, तुम लोग देख लो तुमको क्या करना है. गवर्नमेंट तेरे को लेगा जेल के अंदर डालेगा डायरेक्टली. ओके, यू हैव टू बी प्रेजेंटिंग योर फाइनल अकाउंट्स ईच एंड एवरी ईयर, इट इज कंपल्सरी. सीए लोग डिमांड के अंदर क्यों होते हैं, क्योंकि हर एक कंपनी को क्या प्रिपेयर करना पड़ता है, बुक्स ऑफ अकाउंट. बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट होता है, फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट. लेकिन याद रखना इंडिया के अंदर ना कॉस्ट अकाउंट्स इज नॉट कंपल्सरी. नॉट कंपल्सरी मतलब इट इज ऑप्शनल. इट इज ऑप्शनल, तुम्हारा मर्जी है तो प्रिपेयर कर लो, तुम्हारा मर्जी है तो प्रिपेयर मत करो. इंडिया के अंदर कोई लॉ नहीं है जो तुम्हारे कॉस्टिंग को कंपल्सरी करता है. अभी तुम्हारा कॉस्टिंग स्टार्ट हो रहा है, जब खत्म होएगा तब तुमको समझ में आएगा. जैसे तुम लोग एंट्रीज पास करते हो इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, वैसे एंट्रीज पास होती भी हैं अंदर कॉस्ट अकाउंट्स ऑल्सो. तो क्या हो जाता है, हर एक कंपनी को फाइनेंशियल अकाउंट्स तो प्रिपेयर करना ही पड़ता है, दैट इज कंपल्सरी. तुम लोगों ने कंपनीज एक्ट करके कुछ सुना हुआ है, कंपनीज एक्ट इज ऑफ विच ईयर, 2013. उससे पहले था कंपनीज एक्ट 1956. ओके, जिसको रिप्लेस करके 2013 वाला एक्ट. अगर तुम लोग वहां पर सेक्शंस कभी वो पढ़ोगे, तुम्हारे आईपीसीसी तुम्हारे सीए इंटर के अंदर भी आएगा, तो तुमको समझ में आएगा. कंपनीज एक्ट भी बोलता है हर एक कंपनी को अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है और वो उनके रजिस्टर्ड ऑफिस में रखा जाना चाहिए. जो कंपनी लॉ बोर्ड है, कंपनी लॉ बोर्ड सीएलबी, ओके, दे कैन कम, दे कैन इंस्पेक्ट योर बुक्स एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम. ओके, तो यू हैव टू बी मेकिंग योर बुक्स ऑफ अकाउंट. बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है, फाइनेंशियल. लेकिन इंडिया के अंदर विच थिंग इज ऑप्शनल, कॉस्ट बुक. कोई भी मेंबर आकर, एग्जाम्पल, मेरे को ये नहीं बोल सकता अपना कॉस्टिंग बुक्स वो दिखाओ. ओके, क्योंकि वो मेरी मर्जी है, मेरे को मेंटेन करने का है मैं करेगा, मेरे को मेंटेन नहीं करने का है मैं नहीं करेगा. और वर्ल्ड वाइड दुनिया का एक रूल तो होता है, अगर कोई चीज तुम्हारे पास ऑप्शनल होएगा तुम वो करेगा ही नहीं ना कभी. मैं तुमको बोलूं 8 सब्जेक्ट कंपल्सरी, 1 सब्जेक्ट ऑप्शनल, तुम लोग वो 1 सब्जेक्ट ऑप्शनल कभी लेगा क्या, नहीं ना. ओके, तो गवर्नमेंट ने जिस चीज के लिए रिलैक्सेशन वो दिया, दोज थिंग्स आर नॉट डन ओनली, इसलिए कॉस्ट अकाउंट्स आर, कॉस्ट अकाउंटेंट्स जो होते हैं दे आर नॉट मच इन डिमांड, क्योंकि इंडिया के अंदर कॉस्टिंग इज नॉट कंपलसरी. बट दैट विल हैपन टिल 2022, आई थिंक 2022 के बाद इवन कॉस्ट अकाउंटिंग विल स्टार्ट टू बिकम कंपलसरी इन इंडिया. दैट टाइम देयर विल बी अ सडन डिमांड ऑफ ऑल दीज पर्टिकुलर पीपल. जिनको अभी काम नहीं है तब उन लोगों को बहुत काम होएगा. ओके, तो तभी ICWA वाला जो इंस्टीट्यूट है ना विल स्टार्ट टू बिकम वेरी बिग एट दैट टाइम. ओके, अभी तक वो नहीं है बट दैट टाइम will become. You all do one small thing in your notebooks, you all write down difference between cost accounts and financial accounts. You all can write down this. Accounts का मतलब ही financial accounts होता है, तो accounts को अगर heading ऐसे ही देने का है तो ऐसे ही देना, financial accounts and cost accounts.
चलो लिसन, विल मेक वन लास्ट थिंग देन विल टेक अ ब्रेक. ओके सुनो मेरी बात. कॉस्ट अकाउंट्स. नाउ कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर जो स्टेटमेंट बनता है उसको अपन लोग क्या बोलता है बेटा, कॉस्ट शीट. ओके अपने नेक्स्ट पेज पर वो टाइटल दो, कॉस्ट शीट. विल जस्ट मेक द फॉर्मैट. ओके देन विल टेक अ ब्रेक. उसका जो एक्सप्लेनेशन है ब्रेक की बात करते हैं. कॉस्ट शीट इन ब्रैकेट चैप्टर 6. चलो नेक्स्ट साइन पे अभी लिखना स्टार्ट करो. राइट डाउन कॉस्ट शीट फॉर द ईयर / मंथ / वीक एंडेड डैश डैश डैश. नेक्स्ट साइन पे राइट डाउन क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स डैश यूनिट्स. Quantity sold of finished goods dash units. Three headings: particulars, total, per unit. Total के अंदर एक bifurcation भी आ जाएगा. Make it for the entire side, please. अच्छा सुन, तुम्हारा जो कॉस्ट शीट है ना वो बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे तुम्हारा गुड्स बनता है, गुड्स बिकता है. तुम लोगों ने मेरे को क्या बोला, पहले गुड्स बनता है कि पहले गुड्स बिकता है? तो ठीक है, तो मेरे ख्याल से फिर तो बनने वाले खर्चे सबसे पहले आने चाहिए. ओके तो ऑब्वियसली तुम्हारा कॉस्ट शीट इसी ऑर्डर के अंदर जाएगा. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा और लास्ट के अंदर ये आ जाएगा. द कॉस्ट शीट इज ऑल फिनिश्ड. ओके बस बीच में दो तीन चीजें एक्स्ट्रा भी आ जाएंगी, दैट वी ऑल विल सी एट अ लेटर ऑन स्टेज. ओके तो यहां पे यू ऑल राइट डाउन लिखो डायरेक्ट मटीरियल, वही पहली चीज थी तो वही लिखो, लेकिन बस यहां पे पूरा लिखेंगे राइट डाउन डायरेक्ट मटीरियल कंज्यूम्ड. वो कैसे मिलता है राइट डाउन, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक. ऐसे क्रॉसेस मार देना. डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड. अभी इसके बाद लिखिए डायरेक्ट लेबर
अच्छा, तुम्हारे डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर इन ऑल देवर थ्री बाइफर्केशंस, डायरेक्ट मटेरियल, आगे डायरेक्ट लेबर, थर्ड हेड का नाम क्या था? डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो फिर तो वही आना चाहिए. तो लिखिए इधर डायरेक्ट एक्सपेंसेस. अच्छा, इसके टोटल को CIMA जो इंस्टीट्यूट है, जो लंदन वाला, वो लोग इसको डायरेक्ट कॉस्ट बोलता है. ऑब्वियसली तीनों डायरेक्ट कॉस्ट का ही पार्ट है. ICWA को कुछ ग्रेट वो करने का था, इसलिए उन लोगों ने अपना नाम एक इन्वेंट किया. लिख सकते हो प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट. उसके बाद एड, फैक्ट्री ओवरहेड्स. सुनो, नेक्स्ट टाइम बिना ऐसे लिख के रखना, फैक्ट्री वर्ड इज इक्वल टू वर्क्स ऑल्सो, तो कई लोग इसको वर्क्स ओवरहेड्स भी बोलता है, इज ऑल्सो इक्वल टू प्रोडक्शन, तो कई लोग इसको प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी बोलता है, कई लोग इसको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी बोलता है. तो चारों के अंदर से कोई भी नाम यूज हो सकता है. इस चीज को हम लोग बोल देते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट. लिखिए यहां तक जो भी कॉस्ट है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट. चलो सुनो, तुम लोगों ने 11 12 तो पास किया हुआ है, तो मेरे को इतना तो बोल सकते हो, फाउंडेशन भी तुम्हारा पास होने वाला है. मेरे को बोलो, दुनिया में तीन तरीके के स्टॉक होते हैं, कौन से तीन तरीके के? दुनिया में तीन तरीके के स्टॉक होते हैं, दो तरीके के नहीं, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं बोल रहा हूं, तीन तरीके के स्टॉक होते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास. थ्री टाइप ऑफ स्टॉक्स कौन कौन से हो सकते हैं? रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश गुड्स. रॉ मटेरियल का स्टॉक मैं यहां पर लिख चुका हूं, ओके, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल. अभी इसके बाद WIP स्टॉक है, वो आएगा, तो यहां पर लिख के रखो एड ओपनिंग स्टॉक of WIP less closing stock of WIP अच्छा सिर्फ यहीं पर क्रॉस डालो, सिर्फ यहीं पर क्रॉस डालो. राइट डाउन नेट फैक्ट्री कॉस्ट. अच्छा, जिधर भी वर्ड फैक्ट्री है उसके बोले में तीन और नाम क्या यूज कर सकते हो? वर्क्स, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग. ओके, तो अकॉर्डिंगली क्या है, ये दोनों जो नाम है ना, ये भी हर एक बुक अपना अपना यूज कर लेता है. कह लो उसको ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट बोलता है, कह लो उसको ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट बोलता है, कह लो उसको ग्रॉस प्रोडक्शन कॉस्ट बोलता है, कई लोग उसको ग्रॉस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वगैरह भी बोल देता है. ठीक है, अभी इसके बाद सुनो, कौन कौन से हेड्स हो गए मेरे? ओके, ये वाला हेड हो गया, ये वाला हेड हो गया, ये वाला भी हेड हो गया, ये वाला भी हेड हो गया. तो ऑब्वियसली अभी इन दिस केस ये वाला हेड स्टार्ट होएगा. तो यहां पे अभी सेम ही वर्ड्स लिखना जो तुम लोग ने वहां पे लिखे थे. लिखो एड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री. अच्छा, इस चीज को यहां पे आप लोग लिख देना, दिस इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन.
तो सुनो, जब मैंने तुम लोगों को पूछा दुनिया में तीन तरीके के स्टॉक होते हैं, तुम लोगों ने क्या क्या बोला था? रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स. तो फिनिश गुड्स का स्टॉक एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और ये दोनों जगह पे क्रॉसेस वगैरह डालो. ऐसे डालना जिधर मैंने ब्रैकेट में रखा है उधर ही सिर्फ ब्रैकेट में रखना. इसको बोल देगा COGS. COGS का फुल फॉर्म उतना तो बता दो अकाउंट्स के अंदर से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. अच्छा सुनो, मेरे को जरा बोलो कौन से तुम्हारे दो एक्सपेंसेस बच गए. एक्सपेंसेस का जरा लिस्ट निकालो, मेरे को बोलो कौन कौन से एक्सपेंसेस बच गए तुम्हारे. मेरे को ऑर्डर के अंदर बोलो, अदर ऑफिस एक्सपेंसेस जिसको हम लोग जनरल एडमिनिस्ट्रेशन भी बोलता है, और एक और बच गया सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. वो अभी एक के बाद एक यहां पर आ जाएंगे. एड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग ओवरहेड्स. ये तुम लोगों को COS दे देगा. मेरे को लगता है तुमको इसका फुल फॉर्म भी मालूम होना चाहिए. COS का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा बोलो? कॉस्ट ऑफ सेल्स. तुमको नहीं मालूम तो लिखेंगे बराबर से, राइट डाउन कॉस्ट ऑफ सेल्स. वो द फुल फॉर्म लिखना कॉस्ट ऑफ सेल्स. बस सारे एक्सपेंसेस आ गए तो मेरे को सारा कॉस्ट मेरा मिल गया. तो अभी एक लाइन छोड़ो, लिखो सेल्स. दिस विल बी एंड ऑफ द स्टेटमेंट. तो ऑब्वियसली डिफरेंस यहां पर बेटा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट या लॉस. खत्म. इसका जो एक्सप्लेनेशन है हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर करते हैं. ओके, ये कंप्लीट कर लो.